नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो वीडियो को हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। उदयपुर के सिटी पैलेस टूर को हम विजिट कर रहे थे, तो यहाँ से मैं जैसे ही आगे नेक्स्ट स्टेप में गया तो ये एरिया जो मेरे को मिला वो मेरे को ऐसे लगा कि किसी की शादी के लिए शायद तैयार किया गया हो, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे मैं आगे गया तो मेरे को घोड़ा गाड़ी मिल गया। भाई घोड़ा भी नकली था और गाड़ी शायद पुराना था, इसलिए आपको यकीन नहीं आ रहा होगा। उसके बाद मेरे को चांदी का बना हुआ पालकी मिला। मैं इसको पालकी कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है इसको पालकी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं मुझे सच्चे नहीं पता यार, शायद वही कहते होंगे। तो सबसे बड़ी तो ये है कि वो पालकी जो है वो चांदी की थी भाई, चांदी की। अब सोच रहे हो चांदी आज कितना महंगा है। उसके बाद ये डब्बा दिख रहे हो, वो डब्बा नॉर्मल डब्बा नहीं है, जो हम खाने पीने की सामग्री बनाते तब यूज़ करते हैं ना, मिर्ची वगैरह, उसके लिए था। ये पंखा के ऊपर भी जो करी गई है कारीगरी, वो भी चांदी की है, चम्मच वगैरह। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भाई चांदी का यूज़ करते हुए बनाई गई है। आजकल चांदी का भाव बहुत ज़्यादा है, इस चांदी को देख के भाई सोच सकते हो इसकी कीमत क्या है। और ये झूमर, इसके ऊपर श्री लिखा है, जय श्री राम। तो ये जो पूरा झूमर भी है चांदी का, इतना सारा चांदी यार कहाँ से आया यार, यार चांदी की चीज़ें बहुत सारी थी यार। उसके बाद ये घोड़ा है जिसको पूरा पारंपरिक तरह से तैयार किया गया है, किसी प्रोग्राम में जैसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और मतलब इसमें बहुत सारी चांदी की चीज़ें थी, तो मैं कुछ सीन आपको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे ये वीडियो को आपको देखने में बोरिंग ना लगे। तो चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जल्दी से। ये जो खिलौने आपको दिख रहे हैं ना, ये नॉर्मल वाले नहीं है, देखने में नॉर्मल वाले हैं, ये चांदी के बने हुए हैं भाई। चांदी के खिलौने से कौन खेलता है, हम तो नहीं खेल सकते भाई, राजाओं के बच्चे ही खेल सकते हैं या फिर किस्मत वाले। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि भाई खिलौने भी चांदी के मेरे को देखने को मिलेंगे। ये मेरे लिए बहुत मतलब अलग हो गया यार एक्सपीरियंस, मतलब कुछ अलग ही। चांदी का यूज़ हर चीज़ में किया है भाई, हर चीज़ में। मिरर के आसपास के बॉर्डर में भी चांदी का यूज़ हुआ है, और खाने पीने की चीज़ों में भी चांदी का यूज़ हुआ है। खेलने के बच्चों के खेलने के जो चीज़ होती है उसमें चांदी का यूज़ हुआ है। टॉफ़ी वगैरह, ये जो टॉफ़ियाँ हैं मतलब वर्ल्ड कप जैसी लग रही है, तो उसमें भी चांदी का यूज़ हुआ है। और यहाँ से कमरा हुआ ख़त्म, बाहर आ गए। और एकदम बाहर आने के बाद ये जो सिटी पल्स का आपने जैसे ही गूगल पर देखा होगा उस तरीके से पूरा लुक है, ये इसका गार्डन है पूरा। तो भाई बहुत ही मज़ा आ गया मेरे को पूरा सिटी पैलेस घूमने में। बहुत बड़ा सिटी पैलेस है, आप देख देख के आपका हाथ पैर मुंह आंखें सब कुछ मतलब दुखने लगेगा भाई, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ खाना ढूंढने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पहले खाना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसको घूमने में बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है भाई। और ये यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि मैं वहाँ से बाहर आ गया तो ये जगदीश टेम्पल है, तो उसके नीचे कुछ नाट्य का प्रोग्राम हो रहा है, हम नाटक कह सकते हैं, तो नाट्यकला क्या कहते हैं इसको प्रोग्राम को यार। दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो बाय बाय।